वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से, जहां पंजाब हुकूमत की जानिब से सरगोधा की आवाम को रिलीफ देने के लिए लगाया जाने वाला सहूलत बाजार मुकम्मल तौर पर नाकाम, स्टॉल बंद, खरीदार परेशान। मजीद तफसीला जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदा कमल इकबाल से। जी कमल, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है। जी, इस वक्त मैं सरगोधा के कंपनी बाग सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब भर में सहूलत बाज़ार लगाया गया है। सरगोधा के सहूलत बाज़ार में ज़रूरत ज़िंदगी की कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है, सिवाय चीनी और आटे के, वो भी घंटों लाइनों में लगकर लेना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हुकूमत ने सस्ता बाज़ार लगाया है, लेकिन यहाँ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। स्टॉल खाली पड़े हैं आपके सामने, और आटा भी कभी आता है कभी नहीं आता, काफ़ी देर के बाद आता है। ये यूटिलिटी स्टोर है, ये भी काफ़ी दिन बंद रहता है, काफ़ी टाइम। इसमें कोई सहूलतें यहाँ पे मौजूद नहीं है। जी, इनका यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से ये लगाया गया सहूलत बाज़ार, इसमें जो स्टॉल्स हैं वो आपको खाली नज़र आ रहे हैं। शहरी जो आते हैं वो खाली हाथ घर वापस जाते हैं। आटा जो है और चीनी, उसके लिए भी लाइनों में लग लग के वेट करके लोगों को मिलता है। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर है, वो भी कभी खुला होता है कभी बंद होता है। जी बहुत शुक्रिया कमल इकबाल, शहरियों की राय से आगाह करने का।